नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो चुका है भारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते बताते चले कि जम्मू के रियासी में एक आतंकी हमला फिर से देखने को मिला है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आ गया। दरअसल आतंकी हमले को भजनलाल शर्मा ने बताया है और कायरतापूर्ण हमला उन्होंने ये करार दिया है। जम्मू कश्मीर सरकार से लगातार जो राजस्थान की राज्य सरकार है वो संपर्क में है। सीएम ने पार्थिव शरीर को परिजनों तक पहुंचाने के दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। जल्द मृतकों के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा उनके पैतृक निवास पर, क्योंकि चौमू के चार परिवार बताए जा रहे हैं, जिसमें चारों के चारों लोगों की इस आतंकवादी हमले में मौत हो गई है। उनके ही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनके पैतृक निवास पर उन शवों को लाया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर संभव मदद का भरोसा भी जताया है। हमले में प्रभावितों के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार खड़ी रहेगी। तो बड़ी खबर निकलकर इस वक्त सामने आई है, जहां पर राजस्थान सरकार ने प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि वो दुख के समय में पूरे साथ खड़े हुए हैं। वहीं जम्मू के रिहायशी में एक आतंकी हमले में अपडेट भी निकलकर सामने आ गया, जहां आतंकी संगठन ने भारत पर हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान का सहयोगी है ISKP आतंकी संगठन, जो भारत में हमले की साजिश रच रहा है, जिसने धमकी दी है, उस आतंकी संगठन का नाम है ISKP, जो कि पाकिस्तान का सहयोगी बताया जा रहा है। धमकी के दिन ही जम्मू के रियासी में आतंकी हमला किया गया। आतंकी हमले में चौमू के चार लोगों की मौत भी हुई है। और इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर भी इस बीच आ गई है, जहां जम्मू के रियासी में आतंकी हमले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया, जहां आतंकी हमले में चौमू के चार लोगों की मौत हो गई है। पांच लोग यात्रा पर गए हुए थे, एक व्यक्ति से फोन पर संपर्क भी हो गया है। CMO स्तर पर जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय में संवाद लगातार जारी है, क्योंकि राज्य सरकार और जम्मू कश्मीर के सरकार के बीच में, दोनों के बीच में संवाद जारी है। यह तस्वीर हम आपको CCTV फुटेज की दिखा रहे हैं, जहां पर आ रही है, आप देख सकते हैं यात्रियों से भरी यह बस लगातार जा रही है। उसी दरमियान आतंकी हमला किया जाता है। ISKP आतंकी संगठन है जिसने धमकी दी थी भारत पर हमले की, और उसी बीच ये श्रद्धालुओं की बस पे जो वैष्णो माता देवी माता के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे, उसी दरमियान इस बस पर आतंकी हमला किया जाता है, जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। चार परिवार ऐसे हैं जहां पर दुख की घड़ी टूट पड़ी है। जी हाँ, चौमू परिवार के चार लोग जाते हैं, चार लोगों की इसमें मौत हो जाती है। शवों को जल्दी से पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से निशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। राज्य सरकार साफ तौर पर कह रही है राजस्थान की कि वो दुख की घड़ी में प्रतिबद्धता के साथ खड़ी हुई है। फिलहाल मंत्रालय में, यानी कि गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर के मंत्रालय के बीच में लगातार संपर्क जारी है। संवाददाता रंजन हमारे साथ रियासी से सीधे जुड़ चुके हैं। रंजन, अभी वहां पर जानकारी क्या निकलकर आ रही है, क्योंकि अपडेट यही है जो CCTV फुटेज है वो निकलकर सामने आ गया है, और ISKP वो आतंकी संगठन जिसने इस हमले को अंजाम दिया। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के मंसूबे यही हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अभी बहुत ही शांति के साथ जो चुनाव संपन्न हुए, जो आम चुनाव थे, जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने काफी संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में जो है यहां पे वोटिंग में हिस्सा लिया, उससे कहीं ना कहीं तिलमिलाया हुआ है पाकिस्तान और उसके जो आतंकी संगठन है वो भी इस वक्त तिलमिलाए हुए हैं, जिसके चलते अब निहत्थे श्रद्धालुओं को भी जो है उनकी तरफ से निशाना बनाया गया है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जो रजौरी पूंछ में, जहां मैं अभी मौजूद हूं, मैं स्पॉट पे जहां पे उस घटना को कल आतंकवादियों ने हमला किया था, उस बस श्रद्धालुओं से की बस को, और मैं बता दूं ये बॉर्डर है दो जिले जम्मू के, जो रियासी जिला है और रजौरी जिला, उसका बिल्कुल बॉर्डर है। और ये अब पुलिस इस थ्योरी पे काम कर रही है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी है और कोई लोकल गाइड जो है इनके साथ रहा होगा, जिसने इनको ये रास्ता जो है यहाँ की रैकी जो है वो की होगी, और जिसके बाद इस बस को निशाना कल जो है, और कल का दिन भी आतंकवादियों की तरफ से तय किया होगा कि
इसी दिन जो है जबकि शपथ ग्रहण समारोह भी था और उस दिन ही इस बस को निशाना बनाया गया। तो आतंकवादी इससे पहले जो है इस पूंछ की रेंज में रियासी जिले में पहले सेना के कन्वॉय को घात लगा के इसी तरह इसी मॉडस ऑपरेंडी के साथ निशाना बनाते आए हैं, लेकिन अब जिस तरह से बहुत ही कायर हरकत जो है ये उन्होंने की है, जो निहत्ते जो श्रद्धालु जो यहाँ शिव खोड़ी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए थे उनको निशाना बनाया गया, और वो दर्शन करने के बाद यहाँ से वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए वो श्रद्धालु जा रहे थे जब रास्ते में ही उस बस को निशाना बनाया गया है। अब पुलिस का ये कहना है कि ये जो ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और ये रजौरी के इलाके से इस इलाके में पहुंचे हैं, इन्होंने रैकी की है, उसके बाद वापस ये भागने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने सेफ हाइड आउट इन घने जंगलों में बना के रखे हुए हैं, क्योंकि जो मैं आपको टॉपोग्राफी दिखाता हूँ जो यहाँ घने जंगल है यहाँ पे छिपना इन आतंकवादियों के लिए इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि इन यहाँ पे नेचुरल जो है गुफाएं होती हैं, केव्स होते हैं, पथरीला इलाका होता है और यहाँ पे इन्हीं घने जंगलों का फायदा उठा के आतंकवादी यहाँ पे हाइड आउट भी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और जिस तरह से फॉरन टेररिस्ट इस वक्त रजौरी पूंछ के इलाके में मौजूद हैं और पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस वक्त जो फॉरन टेररिस्ट हैं उनकी मंशा यही है कि जम्मू कश्मीर में अब ये भी जिस तरह से विधानसभा चुनाव की करवाने की भी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और ऐसे में तिलमिलाया पाकिस्तान नहीं चाहता है कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है जहाँ यहाँ पे विकास हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, और इस तरह के जो जिस तरह से ये अटैक करके एक तरह से खौफ पैदा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 2 साल में रिकॉर्ड टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं और इससे यहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट हुई है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं स्थानीय लोग हैं वो भी काफी खुश थे। तो उसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान ने टूरिस्ट को निशाना बनाया है, पिलग्रिमेज टूरिज्म जो यहाँ पे माता वैष्णो देवी है, बाबा अमरनाथ है, शिव खोड़ी श्राइन है, ऐसी कई श्राइन्स हैं जिसके दर्शनों के लिए जो है देश विदेश से जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनको कहने का निशाना बना के साफ संदेश है कि यहाँ पे जो टूरिज्म यहाँ पे पनपा है उससे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं वो खुश नहीं है। ISI की ये कोशिश है कि किस तरह आतंकवादियों को ये वहां से ही गाइड किया जाता है कि किस तरह से इस अटैक को जो है वो उनको करना है, एग्जीक्यूट करना है, और लोकल जो यहाँ रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो सरेंडर मिलिटेंट जो पहले जब यहाँ आतंकवाद हुआ करता था जो जिन्होंने सरेंडर कर दिया था अब वो आतंकवादी भी जो है वो OGW का काम कर सकते हैं। अब हालांकि पुलिस ने इसकी जो जांच है तफ्तीश है वो शुरू कर दी है और इस इलाके को भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ ताकि ये आतंकवादी हैं इस कॉर्डन को भेदने में कामयाब ना हो पाए। जी दुल्ला का एक मैसेज भी आया एक्स पर, उन्होंने पोस्ट किया कि दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन इन इलाकों को जिसको उग्रवादियों से मुक्त कर दिया गया था वहां पर उग्रवादियों की फिर से एंट्री हो रही है। दूसरा ये ISKP जो आतंकी संगठन के बारे में बताया जा रहा है, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइएगा कि संगठन का जुड़ाव कैसे और वाकई क्या पाकिस्तानी कनेक्शन इसका बताया जा रहा है। ये देखिए पाकिस्तानी संगठन चाहे वो LET है चाहे SA है और इस तरह के जो संगठन है वो हमेशा से ही यहाँ पे जो है डिसबिलिटी यहाँ पे कोशिश उनकी ये रहती है किसी तरह भी डिस्टेबलाइज किया जाए, यहाँ की इकोनॉमी को जो है वो कहीं ना कहीं धक्का पहुँचाया जाए, उसको जो है डेंट डाला जाए, और क्योंकि पहले आज से जो है लगभग जो है 10 साल पहले इस इलाके में काफ़ी आतंकवाद होता था लेकिन पिछले 10 सालों से यहाँ इस इलाके में खास जो है रियासी का जो मैं जिले की बात करता हूँ यहाँ पे शांति थी, यहाँ पे इस तरह का बड़ा हादसा इस तरह की बड़ी घटना कभी पेश नहीं आई। और हालांकि कश्मीर घाटी में आतंकवादी जो हैं वो लगातार उनके साथ इंकाउंटर भी हुए और टॉप कमांडर्स जो हैं विभिन्न जो तंजीमें हैं आतंकवादियों की उनका सफाया भी किया गया, लेकिन जम्मू रीजन को अभी तक जो है पिछले 10 साल से यहाँ शांति थी, लेकिन हमने पिछले 1 साल दो साल से यहाँ देखा है कि पहले उनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि जो सेना के कन्वॉय यहाँ से निकलते थे नेशनल हाईवे पे उनको निशाना बनाते थे घात लगा के, अब घात लगा के वो भाग जाते हैं, पहले ये होता था वो फिदायन हमला करते थे और उस वक्त जो इंकाउंटर होता था उसमें जो आतंकवादी हैं उनको उनका सफाया किया जाता था, लेकिन अब वो घात लगा के हमला करते हैं और भाग जाते हैं यहां से और जंगलों का जो फायदा उठा के वहां भाग जाते हैं। और ये साफ हो चुका है कि इसमें जो जिस तरह की यहां तंजीमें कई तंजीमें हैं पहले हिजबुल मुजाहिदीन LET है और अब जो विदेशी ताकतें हैं वो भी अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के समर्थन में हैं और यहां पे भारत जिस तरह की
इकोनॉमी जिस तरह से हमारा जो सपना है 2047 तक जो है हम सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो बन के सामने आए, उससे कई विदेशी ताकतें भी हैं जो नहीं चाहती हैं भारत में विकास हो, डेवलपमेंट हो, इस उन राज्यों में हो जो आज अछूते रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशक से आतंकवाद था और अब यहाँ पे विकास, यहाँ पे टूरिज्म जो है वो पनप रहा है। जी ठीक है, शिवखेड़ा से ये सभी लोग कटरा की तरफ जा रहे थे तभी आतंकी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि चौबू जो कि राजस्थान का जिला है वहां से भी 5 लोग, 4 लोग एक ही परिवार के मौत के घाट उतारे गए इस आतंकी हमले में। राज्य सरकार लगातार जम्मू सरकार से संपर्क में है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी आपको अपडेट मिल पाई है कि कब तक शव पहुंचेगा अपने अपने पैतृक गांव में? रंजन मेरी आवाज आप तक पहुंची? फिलहाल हो सकता थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो, लेकिन ये तस्वीरें रंजन जैसे ही हमसे कनेक्ट करते हैं। रंजन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये सीधे आपको नेटवर्क का थोड़ा इशू हुआ, लेकिन आप देखिए जम्मू कश्मीर के रियासी से ये सीधे रंजन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां पर ISKP जो आतंकी संगठन है उसके बारे में भी बताया। और आप एक तरह से समझिए कि जहां पर NDA की शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा था उस दरमियान इस आतंकी संगठन के द्वारा जम्मू के उस जगह पर हमला किया गया जो उग्रवादी से जिसको फ्री कर दिया गया था। हालांकि जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, बीच में रोड है शिवखेड़ा की तरफ से ये बस कटारा की तरफ लौट रही थी, उस दरमियान ही यात्रियों से भरी बस पर एक हमला किया गया। यानी कि वो उस जगह की, जिस तरह रंजन के द्वारा हमारे संवाददाता के द्वारा बताया गया कि उस जगह की पहले से रैकी लगभग की गई होगी और उनके तहत उस आतंकी संगठन के साथ कोई लोकल गाइड जरूर होगा कि जो, क्योंकि वो वहां पर हाईवे बताता है, दो जगहों को वो जोड़ने का काम करता है जहां पर इस आतंकी संगठन के द्वारा उस यात्री से भरी बस को टारगेट किया गया, क्योंकि वहां पर दो रोडों का एक कनेक्शन बनता है वहां पर। फिर उसके बाद हमला किया गया, फिर वो बस खाई में गिरी जिसमें राजस्थान के चौमू से एक पूरे परिवार से 4 लोग जाते हैं। और इसके पहले भी एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें राजस्थान के दो पति पत्नी को गोली लग जाती है। और अब अर्धसैनिक बल तमाम वो सेना की टुकड़ियां सर्च ऑपरेशन में लगातार जुड़ी हुई हैं। SSP मोहिता ने क्या कुछ बोला है इस मसले पर वो आपको पहले सुना देते हैं, फिर आगे बताते हैं। हमने अपने कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरे एरिया में जारी रखा हुआ है। ये सारे के सारे एरियाज जितने भी एडजॉइनिंग है नाथ से लेके यहाँ तक, हम सारा वो हमारी टीम्स जो है, SOG कॉम्पोनेंट हमारा, हमारी J&K पुलिस जी। तो मैम कल क्या, अगर डिटेल में बताएं उस टाइम क्या हुआ था? ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टूवर्ड्स रियासी जा रही थी, तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और J&K पुलिस साथ में सिविल्स, लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फियर डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। CAPF और हमारी J&K पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। तो आप SSP मोहिता को सुन रहे थे जहां पर उन्होंने कहा कि बचाव अभियान जो है वो पूर्ण कर लिया गया है और तीर्थ यात्रियों से भरी ये बस जब कटरा की तरफ शिवखोड़ी से वापस लौट रही थी तभी ये आतंकी हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी आपको बताते चले कि चेहरे पर नकाब लगाए दो आतंकवादियों ने कंडा चंडी मोड़ के पास बस ड्राइवर पर गोली चलाई। जैसे ही बस ड्राइवर के ऊपर गोली चली उसने अपना नियंत्रण खो दिया और उसके बाद खाई में जाकर बस गिर गई है। और राजेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अभी जानकारी आप क्या देंगे इस मसले पर, गंभीर मसले पर? जितने भी सीनियर ऑफिसर थे पुलिस के वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है इसलिए नेटवर्क भी कम है।
नेटवर्क की यहाँ पे हमेशा दिक्कत रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ एडीजी जम्मू जो है जो जम्मू पुलिस के, वो खुद उनका यहाँ पे आने का ये साफ ये कहीं ना कहीं हम यहाँ से जो है अंदेशा लगा सकते हैं कि इस ऑपरेशन को बहुत ही ध्यान से और जो लंबा ऑपरेशन चल सकता है, क्योंकि जिस तरह की पहाड़ी रेंज है और यहाँ पे कई चैलेंजेस जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए रहते हैं, उसको देखते हुए जो है दिशा निर्देश मौके पे ही जो है सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे देंगे, और जिसके बाद सेना यहाँ एसओजी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान सब संयुक्त जो है अभियान इन पहाड़ी रेंज में चलाएंगे। अभी भी पहाड़ों में जो है हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हैं वो लगे हुए हैं खंगालने में, और ये भी देखने की कोशिश है कि कहीं कोई आईडी इन आतंकवादियों की तरफ से जो कोई फिट तो नहीं की गई, क्योंकि ये हमेशा हमने देखा है जो पिछले भी अटैक हुए ये आतंकवादी जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं ये आईडी लगाने में भी एक्सपर्ट होते हैं, और उनकी ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान है वो सिक्योरिटी फोर्सेज को पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ हमने नई बात ये देखी है कि इस दफा सिक्योरिटी फोर्सेज की बजाय जो है श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया है, जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की, यहाँ पे इकोनॉमिक बैकबोन केवल टूरिज्म ही है, और टूरिज्म को निशाना बनाना इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर को डिकैपिटलाइज करने की जो है वो कोशिश हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो रही है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, यहाँ पे रिकॉर्ड टूरिस्ट जो है वो पहुंच रहे हैं प्रति साल, पिछले साल भी 2 करोड़ से ज्यादा जो है सैलानी टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे पहुंचे, जिनमें पिलग्रिम्स भी थे, श्रद्धालु जो विभिन्न जो श्राइन्स को देखने के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर में आते हैं, माता वैष्णो देवी के लिए आते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे जो सालाना बाबा अमरनाथ की जो यात्रा है वो भी उसकी बात होने वाली है, देश के कोने कोने से लोग जो है वो यहाँ पे आएंगे, और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए ये भी चैलेंज है कि जो आतंकवादी इस रेंज में छिपे हुए हैं, जो लगभग 30 से 40 जो ऐसे आतंकवादी हैं जो ट्रेन है पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, उनको जल्द से जल्द ढूंढ के निकाल के जो है उनका दबाया किया जाए, क्योंकि आगे भी इस तरह के हमले जो है वो श्रद्धालुओं पे ना हो, इस बात को यकीनी बनाना जो है इस वक्त जो है प्रायोरिटी इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज की होगी। जी राजेंद्र, क्योंकि बताया जा रहा है कि रायसी और राजौरी जिले के बॉर्डर पर ये इलाका पड़ता है जहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, और पहले से भी धमकी दी गई थी, तो क्या इनपुट नहीं मिल पाया था? धमकी देने के बावजूद भी क्या सेना वहां पर अलर्ट नहीं थी? ये देखिए, जो धमकियां हैं अमूमन जो है वो दी जाती हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से और सेना के कन्वॉय पे हमले करने के लिए, लेकिन हमारी एसएसपी जो यहाँ रियासी की है मोहिता शर्मा, उनसे बात हुई, उनका कहना है कि स्पेसिफिक इनपुट नहीं था कि किस इलाके में कहाँ ये अटैक होगा, लेकिन एक जो है एक जनरल इनपुट था कि आतंकवादी कुछ इस तरह की। मैं राजेंद्र एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच ये बड़ी खबर भी आ रही है कि आतंकियों ने आतंकी संगठन टीआरएफ के आतंकियों की मदद से हमला किया था। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह बड़ी खबर आ रही है, जांच में इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं, यह भी बताया जा रहा है, खुफिया एजेंसियों को अहम जानकारी मिली है, जिसमें गरीब बताया गया कि करीब 12 आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जो रियासी इलाके में आतंकी संगठन ने बड़ा हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों ने यह हमला किया, पिछले दिनों भी आतंकियों ने घुसपैठ की थी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, यानी कि पहले से इसका ताना बाना बुना गया था और इसको अंजाम दिया गया। राजेंद्र, टीआरएफ के आतंकवादियों की अहम जानकारी मिल रही है और पिछले दिनों भी आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। राजन जी बिल्कुल, मेरा नाम राजन है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, और दूसरी बात यह है कि ये बात जो सीनियर पुलिस के जो एडीजी जम्मू है वो भी ये कंफर्म कर चुके हैं। हाल ही में जो कठुआ के इलाके से जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, वहां से आतंकवादियों की तरफ से जो कि 7 से 8 आतंकवादी जो है एडीजी जम्मू ने पिछले जब यहाँ डूडू बसंतगढ़ में एक आतंकवादी हमला हुआ था उस वक्त ये बात बताई थी कि ये आतंकवादी यहाँ घुसपैठ करने में कामयाब हो चुके हैं, और यहाँ जो एलओसी का इलाका है, जो कि ये जो रियासी और राजौरी पुंछ के जो इलाके हैं ये एलओसी के साथ कटे हुए इलाके हैं, और यहाँ पे जो है पेट्रोलिंग कर पाना और बिल्कुल सैनिटाइज करना पूरे इलाके को ये इतना मुमकिन, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो हिल टेरेन है और यहाँ पे जब बरसात होती है तो नाले जो है वो उफान पे होते हैं, और उन नालों में छुप के जो है और जो नेचुरल जो हाइड आउटिंग के जो होते हैं पहाड़ी इलाकों में,
और वहां पे आके ये बैठ जाते हैं और फिर मौका देखते हैं ये, जब इनको जो लोकल इनके जो गाइड होते हैं, जब इनको इस बात की तसल्ली होती है कि जो रैकी हो चुकी है और किस वक्त ये हमला करके वहां से निकल सकते हैं, और ये रैकी करने के बाद प्लानिंग करने के बाद जो है पाकिस्तान में बैठे इनके जो आका है। राजन आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ इस वक्त राकेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जयपुर से। राकेश अभी इस मसले में क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक शव वापस आ पाएगा, क्योंकि राज्य सरकार लगातार संपर्क साधे हुए, और इसके पहले भी पहलगाम में आतंकियों के द्वारा हमला हुआ था जिसमें कि शिकार हुए थे दो कपल, और फरहा खान फिलहाल तो वापस आ गई थी जिनका अभी ट्रीटमेंट चल भी रहा राकेश, और फिर से एक आतंकी हमले का शिकार हुए हैं राजस्थान के चौमू से, चार परिवार के लोग, एक परिवार के चार लोग। बिल्कुल चौमू के जिस परिवार से पाचा की ढाणी के रहने वाले हैं और सैनी परिवार है, और हम दिखाना चाहेंगे आपको कि न्यूज 18 पहले पहुंचा है और अब पुलिस के अधिकारी यहां पर आना शुरू हैं, पुलिस और प्रशासन के ये जो यहां पर एसीपी हैं जो अशोक चौहान वो यहां पर जस्ट अभी पहुंचे हैं, चूंकि प्रशासन को जैसे सूचना मिली है थोड़ी सी अभी इसलिए सावधानी बरती जा रही है क्योंकि इस परिवार के जो सदस्य मरे हैं, चूंकि उनके जो बच्चे हैं उनको अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। हमारे साथ अशोक चौहान है, उनसे बात कर लेते हैं। चौहान साहब किस तरह की सूचना है, क्या कुछ अभी सारी जानकारी करके बताते हैं। चार जनों के मृत होने की सूचना है, इस संबंध में देख रहे हैं किस तरह की जानकारी मिली है, मृतक कौन है, किस तरीके से, वो अभी आपको सारा बताएंगे, नाम पता क्लियर करके सारा बताएंगे। बिल्कुल अभी पुलिस के पास ये जानकारी नहीं है कि नाम पते और कहां के वो रहने वाले, चूंकि ये जो पाचू की ढाणी है यहां पर जो है यहां पर ये सैनी परिवार के चार सदस्य जिसमें बच्चा, उनके परिजन हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे। चूंकि एक दर्दनाक घटना घटी है और जिस तरीके से आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, आप इनके परिजन यहां पर खड़े हैं और पुलिस के जो लोग हैं उनसे जो है आप बताइए किस तरीके से, क्या कुछ कौन कौन थे और मासूम बच्चे की मौत किस तरीके से। सब हमारे भाई साहब हैं, वो वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे, तो अभी हमारे को कोई वो नहीं, सुबह हमारे को पता पड़ा कि ऐसे ऐसे कोई बात हो गई। कितने लोग दर्शन करने गए थे, कैसे गए थे? पांच लोग गए थे, वो ट्रेन से गए थे, वहां जाके बस वगैरह कर ली थी उन्होंने, वहां दर्शन वगैरह करके वापस लौट रहे थे तभी हादसा हुआ है। कौन कौन लोग गए थे यहाँ से? हमारे राजेंद्र जी है, उनकी धर्मपत्नी ममता देवी है, और उनकी भतीजी है पूजा, उनका हस्बैंड है पवन जी, और उनका एक बच्चा है, मासूम बच्चा है 2 साल का। तो कब कब बात हुई आपकी उनसे, किस तरीके से बात हुई? हमारी परसों कल सुबह के समथिंग बात हुई थी, उस टाइम बाद बात नहीं हुई, फिर शाम को हमारे को पता पड़ा कि ऐसे ऐसे हो गया, फिर नाइट में हमारे को 11-12 बजे पता पड़ा कि ऐसे ऐसे हो गया, तो हमने कोशिश की, तब सुबह जाके हमारे पवन जी से बात हुई कि वो बताया कि मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, उन चारों का पता नहीं है। उस घर में कौन कौन और लोग हैं उनके? और उनके एक तो टरारा 20 साल की बच्ची है और 2 बच्चे हैं, और पवन जी के उसके राजेंद्र जी के भी माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, वो तीनों बच्चों का कोई सहारा नहीं है। किस तरीके से अभी बच्चों को घर परिवार में क्या उनको पता लग पाया है, किस तरीके? नहीं, अभी कोई पता नहीं लग पाया है उनको, सिर्फ हमारे को ही पता है, अभी हमने उनको बोला भी नहीं है, बताना भी नहीं चाह रहे हैं उनको भी कि आगे क्या पता, कब तक क्या प्रशासन का काम है ये। आपको सूचना कैसे लगी, क्या प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे अभी तक? हम सुबह फिर वापस थाने पे गए, तब जाके हमारे वो अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई, तब उन्होंने हमारे को ये बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई, तब हम वापस घर पे आ गए। क्या किस तरीके से घर परिवार में रहते थे सभी, चूंकि ये हम देख रहे हैं कि एक ढाणी है, आबादी से घनी आबादी से दूर एक इलाका है, यहाँ पर सभी शांतिपूर्वक तरीके से रहने वाले लोग हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आकर के यहाँ पर। राकेश आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि खबर में लगातार अपडेट आ रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हमला है वो जो आतंकवादी संगठन थे पहले ही पूंछ और राजौरी में इस तरह के हमले की वारदात को अंजाम देते आए हैं, और फिलहाल इस मामले में अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।